इतना अद्भुत सेट बनवाया आपने, भोजपुरी में शायद ही ऐसा सेट हम लोग ने देखा हो, इसके पीछे क्या आपका एम था, प्रेरणा कहाँ से मिली? बस एक हम लोग भी भोजपुरिया हैं और एक दिल में आया कि एक भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं हम लोग। हमारे प्रोडक्शन हाउस आरएम फिल्म से हमने फिल्म प्रोड्यूस किया है और क्योंकि हम लोग हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए हैं पिछले 15 साल से और हमारे बेसिक जॉब हिंदी सिनेमा में यही सब है कि सेट वगैरह सब हम लोग बड़े 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 डिजाइनर नितिन देसाई जी, समीर चंद्रा या बड़े बड़े डिजाइनर जो है उनके साथ काम करते हैं। तो मतलब हमारा टेस्ट स्टार्टिंग से ही ऐसा रहा कि हाई फंटा काम करना, मतलब काम करना तो अच्छा करना, नहीं तो मतलब नहीं। तो वहीं से उसी सिलसिले में मतलब ठीक है अपनी फिल्म है तो लाइविस मतलब अच्छे से अच्छे बड़े सेट लगाएं, बड़े से अच्छे शूट करें, अच्छे फिल्म बनाएं। और आज जो गाना शूट हो रहा है वो भी देखा कि बहुत अच्छा खूबसूरत उभर कर आ रहा है, रिंकू घोष उसमें डांस कर रही थी। हाँ। कितना आप खुद कितना सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं? मैं 100% खुश हूँ और मैंने ही पूरा डिज़ाइन किया इस गाने के लिए। बेसिकली मैं इस फिल्म में ज़्यादा फोकस नहीं डाला था, बट स्टार्टिंग सॉन्ग और लास्ट सॉन्ग दो आइटम मैंने खुद डिज़ाइन किया है और डायरेक्टर हमारे साथ जी वो अच्छे काम कर रहे हैं और हमारे आर्ट डायरेक्टर जो है प्रदीप झा करके वो भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं और इसमें हमारा स्पेशल देख रेख रहा। इसमें बोल सकते हैं 9 बजे से पहले हम लोग सेटिंग वाले थे, 9 बजे के बाद प्रोड्यूसर बने। इससे अच्छा फिल्म की कहानी बेहतर है, अच्छा है और कॉमेडी पंच है और जो चाहिए फिल्म में सारे के सारे इंटरटेनमेंट है। और उससे बेहतर बात यह है कि हम लोग फिल्म में जितने भी चीज़ें यूज़ किया मतलब एकदम ब्यूटीफुल, मतलब भोजपुरी में